हाइगन्स को ये कहा गया कि ठीक है ऐसी थ्योरी मान गए कुछ होती होगी, पर देखो एक साइंटिस्ट है उसको मैथमेटिकली बेसिक लॉज को तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगर वो एक्सप्लेन कर दे तो माना जा सकता है उसकी थ्योरी में कुछ गलती नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और ऐसी रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड के अंदर आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, दोनों चीज़ें आएंगी, तो लिख लें इसे भी इंपॉर्टेंट। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, ये डायग्राम को समझने के लिए पहले इस चीज़ को समझ लें। ये देखो, ये मान लो आपके पास एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब नॉर्मली हम ना एक रे लेते हैं, वेव ऑप्टिक्स में रे आई, रे चली गई, आई इज इक्वल टू आर, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, हमको रे थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, हम तो वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं। उसने कहा कि अगर दुनिया में वेव फ्रंट नाम की कोई चीज़ है तो फिर रिफ्लेक्शन को प्रूव करो वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से। तो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या है, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है मान लो ये आपका एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, एक देखो लाइट तो बहुत सारी है, मैं पार्ट ऑफ लाइट ले रहा हूँ छोटा सा, तो एक वेव फ्रंट आ रहा है, अब वेव फ्रंट आ रहा है, फिर ये वेव फ्रंट यहाँ बनेगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट यहाँ बनेगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट यहाँ बनेगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट यहाँ बनेगा। तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा, मैंने समझाया हुआ है, वो ऐसे कर करके वो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो डिस्टर्बेंसेज हैं उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे, वेव फ्रंट आके ट्रेवल करता जाएगा, राइट, क्लियर है। अब क्या हुआ, ये वेव फ्रंट की टक्कर हो गई कहाँ पे, मिरर के साथ। अब वेव फ्रंट तो प्लेन है, ऐसा तो होगा नहीं वो टेढ़ा मेढ़ा गोल हो गया या कट गया, ऐसा नहीं होता। ये मेरा आखिरी वेव फ्रंट है जब मिरर से इसकी टक्कर हुई थी, अब सारे डिस्टर्बेंसेस इसके मिरर से टकराएंगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगी और नया वेव फ्रंट बनेगा। और ये अगर प्राइमरी है, अब मैं क्या ड्रॉ करूंगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी तब तक नहीं बनेगा जब तक ये सारी डिस्टर्बेंसेस पहले इकट्ठी थी, अब ये आगे पीछे हो गई। किसने बोला आगे पीछे कैसे होगी सर, देखो आगे पीछे ऐसे हो गई, अब सोचो ना ये जो डिस्टर्बेंस है ये यहां तक आ गई, वेव फ्रंट बन गया। अब ये जो डिस्टर्बेंस है अभी हवा में ही है क्योंकि इसकी बारी तो इधर जाने की आ गई, इसकी बारी अभी इधर आने की है और इसकी बारी अभी और आगे जाने की है। आप सोचने वाली बात है कि जब तक ये पूरी की पूरी डिस्टर्बेंस यहां टक्कर नहीं मारती तब तक नया वेव फ्रंट बन नहीं सकता, क्लियर है। क्योंकि वेव फ्रंट में क्या था, जब ये पार्टिकल इकट्ठे आए थे, जाएंगे भी इकट्ठे जाएंगे, आगे पीछे नहीं जा सकते, प्लेन आया तो प्लेन ही जाएगा। और नया वेव फ्रंट तब तक नहीं बनेगा जब तक ये डिस्टर्बेंस टकरा के इसको हिट नहीं करेगी और वापस अपना रास्ता मुड़ेगी नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो एक बात तो पक्की है इस डायग्राम में, अगर ये मेरा ये वेव फ्रंट आया था ऐसे, ये वेव फ्रंट आया तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जैसे ये डिस्टर्बेंस एक यहाँ से आएगी, मैं रे की फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे, पर इमेजिन करो डिस्टर्बेंसेज आ रही हैं, नंबर ऑफ डिस्टर्बेंसेज हैं, और ये मेरा वेव फ्रंट ऐसे, तो मैं ये डिस्टर्बेंसेज आ रही हैं, इसकी बारी तो आगे जाने की, लेकिन नया वेव फ्रंट तब तक नहीं बनेगा जब तक ये इसके साथ हिट करके वापस नहीं जाएगी। और एक बात पक्की है, इस डिस्टर्बेंस ने इसे कहा तू एक काम कर, तू तो चल आगे रिफ्लेक्ट हो गए, मैं अभी टक्कर मार के वापस आ रही हूँ, फिर हम इकट्ठे चलेंगे, ऐसे ही हुआ। तो इसका मतलब कि जो नया वेव फ्रंट बनेगा उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये होगी, क्योंकि इसके बाद तो इसकी रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट हाइगन को पता लग गया, स्टार्टिंग पॉइंट है वेव फ्रंट का, इसके बीच में वेव फ्रंट बन नहीं सकता क्योंकि जो डिस्टर्बेंस आगे पीछे हो चुकी है। अब उसे ये पता था कि ये जो लाइट है इसकी स्पीड सी है, और मान लो उसने टी टाइम लिया यहां से यहां जाने में, टी समय में यहां पर आ गई तो डिस्टेंस कितना है सी टी, और उसको ये भी पता है कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये वाली डिस्टर्बेंस देख रहे हो, ये वाली, ये इधर मुड़ चुकी है, और टी टाइम में इसने भी कितना डिस्टेंस कवर किया सी टी, भाई देखो अगर ये हवा में सी टी डिस्टेंस कवर कर रही है तो ये भी तो सी टी डिस्टेंस कवर कर चुकी है, लेकिन इन दिस डायरेक्शन। तो अब हाइगन ने क्या किया, अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोला, कंपास लिया, ये पॉइंट लिया, यहां से सी टी खोल लिया, सी टी यहां से खोल के एक आर्क को ड्रॉ कर दिया ऐसे, सच दैट ये जो डिस्टेंस है ये कितना बना सी टी, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट सी टी, क्लियर है। तो आर्क खोल के उसने डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया,
तो उसने कहा देखो ये सीटी डिस्टेंस पे वेवलेट है, याद है स्फेरिकल वेवलेट है, और अगर मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहता हूँ तो फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉ अ टेंजेंट, ये लो। तो उसने कहा टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब देखो ना, इस वेव फ्रंट से यहाँ आने में डिस्टेंस कितना है सीटी, इस वेव फ्रंट से यहाँ आने में डिस्टेंस कितना है सीटी। अब जो नया वेव फ्रंट है वो आगे 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 प्लेन ट्रेवल करता जाएगा, ऐसे सिचुएशन होगी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यानी कि इस डायग्राम को और अगर बेटर बनाएं तो ऐसा बनेगा। तो देखो ये वेव फ्रंट आया, इसके साथ टकराया, जब तक ये डिस्टर्बेंस इसको हिट नहीं करेगी जाने वाला वेव फ्रंट ही बनेगा, और जब तक ये इसे हिट करेगी तब तक ये आगे जा चुका होगा। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है सीटी, तो इसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा सीटी। तो सीटी की आर्क मारी और ये वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, तो जाने वाला वेव फ्रंट तैयार हो गया। तो इस पूरे इसमें देखो ना, अगर तो प्लेन वेव फ्रंट सीधा ट्रेवल कर रहा है बिना रिफ्लेक्शन के, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो एक वेव फ्रंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, बीच में मिरर आ गया, तो ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है और ये मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो डायग्राम समझ में आ रहा है कि डायग्राम कैसे बना? क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो वेव फ्रंट आया ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इसकी एक रे ने, रे ले लेते ले लेते हैं डिस्टर्बेंस को रे की फॉर्म में, तो इसने एंगल क्या बनाया यहाँ पर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, और सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट जो आपका वेव फ्रंट है वो तो ये बना, साथ साथ तो बन नहीं सकते, सेकेंडरी वेव फ्रंट ये बना, और नॉर्मल के साथ इसने एंगल क्या बनाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये ऐसे रे थोड़ी ना, इधर ही आई बन गया, इधर ही आर बन गया, ये वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट इसके और इसके बीच में नया वेव फ्रंट तैयार नहीं हो सकता, ये बात पक्की है, मैंने बता दिया क्यों। इसलिए आपका एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बनेगा और रिफ्लेक्शन यहां बनेगा, और मुझे प्रूव करना है आई इज इक्वल टू आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये आई है, ये नॉर्मल है, तो याद रखना एक चीज कि अगर ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में एंगल क्या होता है 90। तो अगर ये आई है तो ये एंगल क्या बचेगा 90 माइनस आई, तो एंगल क्या बनेगा 90 माइनस आई। अब ये नॉर्मल है, ये दोनों एंगल कितने हैं 90, तो अगर ये 90 माइनस आई है तो ये क्या बनेगा आई, तो टोटल एंगल क्या होना चाहिए 90। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये आई है तो 90 माइनस आई, और टोटल एंगल 90 की वजह से क्या बन गया आई। सिमिलरली यहाँ देख लो, ये अगर आर है, ये और ये 90 पे होते हैं हमेशा, तो 90 माइनस आर है, और अगर ये 90 माइनस आर है तो ये नॉर्मल इसके साथ टोटल एंगल क्या बना रही है 90, तो अगर ये 90 माइनस आर है तो ये आर है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व कैसे। तुम इसमें दो ट्राइंगल ले लो, पहला ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कितने हैं 90, ये एंगल कितने हैं 90, ये साइड दोनों में क्या है कॉमन, और ये साइड किसके इक्वल है सी टी, और ये साइड किसके इक्वल है सी टी, सी टी सी टी बराबर इक्वल कर दिया, कॉन्करेंट ट्राइंगल आ गए। और ट्राइंगल अगर कॉन्करेंट है तो आई इज इक्वल टू आर, प्रूव हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही किया हुआ है, डिस्टेंस सी टी सी टी, साइड कॉमन है, एंगल एक 90 90 है, तो ये कॉन्करेंट ट्राइंगल की वजह से आई इज इक्वल टू आर, बस इतना सा प्रूफ है। तो आपको बेसिकली क्या प्रूव करना है, आई इज इक्वल टू आर, पर प्रॉब्लम ये है कि वेव फ्रंट की थ्योरी कैसे चलती है ये आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हाइगन प्रिंसिपल के केस पे रिफ्लेक्शन का लॉ कैसे प्रूव करेगा, पेपर में आएगा, प्रूव करो वेव थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेव थ्योरी से। कई बार वो हाइगन वर्ड नहीं यूज करेगा, ये हाइगन की क्या है, वेव थ्योरी। क्लियर है यहां तक?